अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास थ्री, सब्जेक्ट हमारा मैथ्स है और टॉपिक है हमारा नंबर्स। इसमें कल हमने बुक पेज नंबर 16 और 17 किया था। इसमें हमने देखा था कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग की नंबर्स किस तरह से करते हैं, फिर इसके बाद एग्जांपल की थी, एग्जांपल नंबर 11। आज पेज नंबर 17 और 18 से एग्जाम्पल नंबर 12 एंड 13 करेंगे। 12 में आपको करवाती हूँ, 13 में बताऊँगी, वो आपने खुद करनी है। एग्जाम्पल क्या है, पर मिस्टर अलीज मंथली सैलरी इज आर एस 35,600 एंड मिस्टर शकील्स मंथली सैलरी इज आर एस 45,920। हु हैज मोर सैलरी, कहते हैं मिस्टर अली की मंथली सैलरी 35,600 है और मिस्टर शकील जो है उनकी मंथली सैलरी 45,920 है, तो बताएं कि किसकी सैलरी ज़्यादा है। तो मिस्टर अलीज मंथली सैलरी वो हमने लिखी, फिर इसके बाद मिस्टर शकील की मंथली सैलरी लिखी, ये हमने दोनों की सैलरीज लिखी। फिर इसके बाद हमने देखा था कि हम इनको 1, 10, 100, 1000 and 10,000 प्लेस पर लिख के फिर इनको हम नंबरिंग इनकी चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 0, 0, 6, 5, 3 हर एक डिजिट को एक एक बॉक्स के अंदर लिखेंगे। तो यहाँ पर 10,000 प्लेस पे 3,000 पे 500 प्लेस पे 6 और 10 प्लेस पे भी 0, 1 प्लेस पे भी हमारे पास क्या आ गया है 0। आगे से हम मिस्टर शकील की सैलरी लिखते हैं 0, 2, 9, 5, 4 यानी कि 10,000 प्लेस पर यहाँ 4 है, फिर 5 है, 100 पे 9 है, 10 पे 2 है और 1 पे 0 है। हम इन सबको लिखा। अब हम सबसे पहले कौन से डिजिट से चेक करते हैं, 10,000 प्लेस चेक करेंगे ना, तो सबसे बड़ा डिजिट है। जब हमने यहाँ से चेक किया, कल जब हमने यहाँ पर चेक किया तो हमने दोनों 8-8 आए थे, सेम आ गए थे। जब सेम आ जाए फिर हम नेक्स्ट उसे करते हैं, अगर इसमें भी सेम आ जाए फिर उससे नेक्स्ट में करना होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आज जब हमने किया है तो 10,000 प्लेस पर ही दोनों में डिफरेंस आ गया, एक में 3 आया, एक में 4 आया। कंपेयरिंग द डिजिट्स एट 10,000 प्लेस, जब हमने 10,000 प्लेस पे डिजिट्स को कंपेयर किया है तो हमें पता चला है कि 4 ग्रेटर है किससे, 3 से। जाहिर सी बात है हमें यहाँ से वैसे पता चल रहा है 4 ग्रेटर होता है ना, बड़ा होता है ना 3 से। सो 45,920 वो ग्रेटर है किससे, 35,600 से। क्यों ग्रेटर है, क्योंकि यहाँ पर जो 10,000 प्लेस पर डिजिट है वही ग्रेटर है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, 4 बड़ा होता है, ठीक है। तो इससे हमें पता चला हैंस मिस्टर शकील्स हैज मोर सैलरी देन मिस्टर अली, तो इसी से हमें पता चल जाता है कि मिस्टर शकील की सैलरी जो है वो ज़्यादा है और मिस्टर अली की सैलरी कम है, ठीक है। तो ये हमारी एग्जाम्पल थी जो हमने पेज नंबर 17 से की है। अब पेज नंबर 18 आप ओपन करें और पेज नंबर 18 पर भी हमारे पास एक एग्जाम्पल है, हम उसको देखते हैं, ठीक है। ये पेज नंबर 18 ओपन करें। द प्राइस ऑफ रबियाज मोबाइल इज आर एस 25,300 एंड द प्राइस ऑफ अलिशबाज मोबाइल इज आर एस 20,320। हुज़ मोबाइल इज़ मोर एक्सपेंसिव, कहते हैं अलिशबा राबिया का जो मोबाइल है वो इतने का है, अलिशबा का मोबाइल इतने का है, बताएं किसका मोबाइल ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ज़्यादा महंगा है। तो राबिया के मोबाइल की प्राइस हमने लिखी, अलिशबा के मोबाइल की प्राइस लिखी, सेम है जैसे पीछे एग्जांपल की है, फिर हमने 10,000 प्लेस पर ही इसको कंपेयर किया है। तो यहाँ पर देखें 10,000 प्लेस पर स्टेप वन में कंपेयर किया, यानी कि इसको 2, 5, 3, 2, 5 ये जो फर्स्ट वाला था हमारे पास ये लिखा, फिर इसके बाद जब हमने दूसरी का लिखा तो वो भी इन दोनों को हमने क्या किया, कंपेयर किया जब आपस में, तो हमें पता चला कि ये 10,000 प्लेस पे यहाँ भी 2 है, इसमें भी 2 है, दोनों सेम हो गए हैं। 10,000 के बाद आगे नेक्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप क्या है, जब अगर 10,000 प्लेस पे सेम है तो हम 1,000 प्लेस चेक करते हैं। जब 1,000 प्लेस पे चेक किया तो एक में 5 आ गया और दूसरे में क्या था 0, यानी कि सेकेंड डिजिट 5 था ना, यहाँ पर सेकेंड डिजिट 0 था, तो 10,000 प्लेस पे सेम था, 1,000 प्लेस पे यहाँ 5 और 0, इट मीन्स 5 जो है वो ग्रेटर है 0 से, तो इसलिए हमें पता चल गया कि 25,325 ग्रेटर है किससे, 20,325 से। तो इससे हमें पता चला कि राबिया का जो मोबाइल है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है, किसके मोबाइल से, अलिशबा के मोबाइल से, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल नंबर 13 आपने खुद सॉल्व करनी है घर में, सेम एज़ एग्जाम्पल नंबर
ये 12 के हैं, ठीक है, जैसे हमने किया है। तो आपने ये दोनों एग्जांपल्स अपनी नोटबुक पर नोटबुक पे बेशक ना करें, बुक से ही इसको कर लें, या नोटबुक रफ रजिस्टर लेके उस पर आप इनको अंडरस्टैंड करें, अच्छी तरह से सॉल्व करके देखें, ताकि आपको पता चल जाए कि हमने आगे जो क्वेश्चंस करने हैं वो किस तरह से करने हैं, वो सेम इसी से रिलेटेड। ठीक है, थैंक यू।